नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सुबह डिजिटल यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस बैंक कितना ब्याज देता है एक लाख रुपया एफ डिपॉजिट करने पर जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको कितना परसेंट ब्याज देता है अगर आप एक लाख रुपया यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका कितना ब्याज होगा तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए आपको बताते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम आपको जो बता रहे हैं ये दो हज़ार इक्कीस का जो है इंटरेस्ट है ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो है दो अकाउंट होता है अगर आप सिटी से हैं अगर रेगुलर कस्टमर हैं तो रेगुलर कस्टमर के लिए और सिटी सीनियर सिटीजन कस्टमर के लिए भी दोनों के लिए हम आपको बताएँगे तो देखिए दोस्तों अगर आपका पैसा सात दिन से पैंतालीस दिन तक अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं एक लाख रुपया रखते हैं तो आपको टू पॉइंट यानी टू पॉइंट नब्बे परसेंट आपका जो यहाँ पे ब्याज होता है ठीक है यानी कि दो हज़ार नौ सौ रुपया ब्याज होता है अगर आप एक लाख रुपया को सात दिन से पैंतालीस दिन तक रखते हैं तो ठीक है उसके बाद अगर आप छियालीस दिन से एक सौ नवासी नवासी उनासी दिन रखते हैं अगर एक छियालीस दिन से नवासी दिन तक रखते हैं अपने ए, एक लाख रुपया को अपने बैंक अकाउंट में या रेगुलर वाले के लिए ठीक है जो कि विलेज एरिया से होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ उसका जो होगा ब्याज जो होगा तीन हज़ार नौ सौ रुपया होगा और सिटी सिटी वाले के लिए होगा जो सिटी से जिसका अकाउंट है उसका होगा चार हज़ार चार सौ चालीस चार हज़ार चार सौ रुपया होगा ठीक है उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में एक एक सौ अस्सी दिन से लेकर दो सौ दस दिन तक अपने अकाउंट में एक लाख रुपया को फिक्स एक लाख रुपया फिक्स डिपॉज़िट करते हैं तो आपका ब्याज जो होता है चार हज़ार चार सौ रुपया होता है और वही सीनियर वाले के होगा चार हज़ार नौ सौ रुपया होगा ठीक है और अगर आप एक लाख रुपया को एक साल से एक साल तक के लिए फिक्स डिपॉज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ब्याज होता है पाँच हज़ार रुपया होगा यानी कि पाँच हज़ार टोटल पाँच हज़ार पाँच सौ रुपया यहाँ पे एक साल का ब्याज होता है और सिटी वाले के लिए होगा पाँच हजार पाँच हजार पाँच सौ रुपया होगा ठीक है तो इसी तरीके से टोटल तो पे इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे एक लाख रुपया अगर आप अपने अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है तो आपको पता होगा कि जो ब्याज जो है यहाँ पे मिलता है वो सबसे कम ब्याज जो है आपको एस बैंक में ही मिलता है अगर आपका एच बैंक में है या आई बैंक में है तो आपको बैंक में जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्याज मिलता है लेकिन एस बी आई बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पे बहुत कम आपको ब्याज प्रोवाइड करता है तो आपने जान लिया कि आपको एस बी आई बैंक में फिक्स डिपोजिट करने पर कितना ब्याज मिलता है कितना इंटरेस्ट है तो आपने मालूम हो गया है तो वीडियो को लाइक करके जाएगा ठीक है